हेलो दोस्तों, कैसे हैं? कंपनी हो तो मैं चुका नहीं वीडियो लेके और गया आज को मैं जोर जो पोल में। तो सबसे पहले तो भाई उतरते हैं और गन ढूंढते हैं, यहाँ पे मेरे को UMP मिल जाती है और फिर निपटाते हैं बंदों को। तो एक बंदा मेरे को दिख जाता है जो कि सामने की तरफ कुंदा फांदी कर रहा था, तो इसको निपटाते हैं जल्दी से। और लेवल 2 की वैश भी मिलती है पॉकेट में, उसको भी उठा लेता हूँ और फिर चलते हैं इस बंदे की तरफ। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, शानदार भैया को हमारे कोई VSS से टपका देते हैं बहुत दूर से, पता नहीं कहाँ से, उन्हें खुद नहीं पता है। और VSS की साउंड भी नहीं आती और मैप पे मैंने साइन का ध्यान नहीं दिया, पता नहीं आया था या नहीं। तो अभी एक बंदा भाई यहाँ पे था और यही वो बंदा है शानदार, मतलब यही बता रहा है मेरे को कि यही बंदा था जिसने उसे नॉक करा था। और इन भाई साहब को तो कुछ पता ही नहीं था भाई जिंदगी में चले क्या रहा है, तो इनको भी निपटाते जल्दी से। ये शायद एफ के खड़ा था और एकदम से जान आ जाती है इसमें। तो एक बंदा भाई क्रेन पे चढ़ के रखा ऊपर और सामने जाने का मतलब नहीं क्योंकि एंगल ही नहीं मिल रहा है। तो गाइस वही अपनी पुरानी ट्रिक, भैया एंगल बदलते हैं और कर देते हैं इसे भी खत्म। तो यार कमेंट में मेरे को कुछ चीजें पूछनी आज आपसे, तो यार बता देना। तो पहले तो यार लाइक कर दो वीडियो को यार अगर नहीं करी हो तो। सबसे पहले तो यार मैं पूछना चाहूंगा कि जो मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक है मतलब इसको बदलना चाहिए या फिर ये वाला रहने देना चाहिए, है ना? और कुछ चेंजेस अगर आप सोच रहे हो कि मैं करूं, मतलब क्या क्या देखना तुम्हें पसंद है वो तुम बता सकते हो। तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना भाई तुम्हें सोलो वर्सेस स्क्वाड देखने में जाता है हाई किल्स वाला, या फिर डुओ वर्सेस स्क्वाड देखने में जाता है, फिर रैंडम स्क्वाड, या फिर स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड। तो जो भी यार तुम्हारी मतलब इच्छा हो तुम बता सकते हो नीचे कमेंट में। जिसको तुम्हें देखने में मजा आता हो भाई वो बता देना, फिर मैं उसे डालने की कोशिश करूंगा। तो गाइस यहाँ पे हम पोचिंग की में आ जाते हैं और यहाँ पे कुछ बंदे भी थे, कार हमने देख ली थी खड़ी हुई। तो ये बंदा तो यार बच के चला जाता है, लेकिन मैंने एक नागिन स्पॉट कर लिया, तुम देखते जाना भी ये नागिन यहाँ फैली हुई है बिल्कुल। तो भाई जब जो सीन होने वाला है ना भाई वो खतरनाक ही था, मतलब ये बंदे क्या करना चाह रहे थे भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो ये बंदा क्या कर रहा है भाई, पिस्टल चला रहा है बहुत तेज तेज स्पैम कर रहा है मतलब। और यहाँ पे इन्होंने स्मोक भी कर रखा है शेक के अंदर, तो मैं तो ऐसे बढ़ने वाला हूँ उन्हीं के भाई, मैं शेक में बढ़ जाऊँ क्योंकि वो एंगल लेकर बैठे होंगे और भाई निपटा देंगे। इतने में भैया पीछे से कोई फायरिंग करने लगता है, शायद बोट था मतलब फायरिंग से लगा तो ऐसे ही, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं ले सकते। मैं अंदर आता हूँ, पहले फर्स्ट एड करता हूँ। तो जो बंदा मेरे फायरिंग कर रहा था उसे तो मेरा टीममेट उड़ा देता है और इस बंदे में मैं नेट डाल देता हूँ। तो मैं अंदर जाता हूँ भैया चेक करने के लिए, मतलब फिनिश करने के लिए। अब इसका एक बंदा शायद AFK था क्योंकि एक ही बंदे की हलचल की आवाज़ आ रही थी मतलब मूवमेंट की। ये बंदा भी पक गया हो इसलिए ट्रोल कर रहा था, मतलब पिस्टल चला चला के बुला रहा था हमें। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक गाड़ी आती है भैया रश करने के लिए पोचिंग के में और हमारे साइड से आते हैं हॉर्न बजा के मतलब। तो मैं इनकी तरफ भगने लगता हूँ भैया अंधाधुन और अपने टीममेट को भी कहता हूँ भाई साथ दे मेरा पीछे से आके। तो आज यही तुम्हें करना है, देखो भाई अगर किसी घर में मतलब तुम घुसने वाले हो तो चार बंदों में कभी मत घुसो, एक दो बंदा लुड़का दो यार नेड़ वेड़ करके मोली वोली करके और फिर घुस जाओ।
तो ये बंदे क्या कर रहे थे भाई, ऊपर टिप भी ले रहे थे और दो तीन बंदे थे कम से कम भी भाई, मेरे को तो ऐसे लग रहा था फुटस्टेप से। एक बंदे को भले मैं नॉक कर चुका था, तो यहाँ पे मैं घुसने का बिल्कुल इरादा नहीं था जब तक वो बंदे मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन ना बता दें। तो जैसे उनकी लोकेशन पता चलती है, जंप एंड शूट करते हैं और भाई कर देते हैं अभी खत्म। तो एक बंदा यहाँ भी था, इसको मतलब शानदार क्या कर रहा था, स्मोक डाल के ट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यार मैं मार देता हूँ इसे क्योंकि ऐसा यार अच्छा नहीं लगता मतलब किसी बंदे को ट्रोल कर रहे हो पूरी तरह। गाइज अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें भैया उसका आंसर देना कमेंट में, अगर तुमने दे दिया तो मज़ा ही आ जाएगा। अब तुम ये बताना ये बंदा गाड़ी में चढ़ा कैसे था, ठीक है? मैंने रिकॉर्डिंग में ध्यान दिया, असल में मेरे को गेम प्ले में नहीं दिखा था, लिटरली शानदार को दिख गया था, मेरे को नहीं दिखा। और भाई पहले नहीं था बंदा, मैंने जब स्लो मोशन में देखा तो ये ऊपर से कूदा है, कहां से आया क्योंकि फुटस्टेप भी नहीं आए, तुम बताओ है नीचे कमेंट करके। और किसी ने नोटिस करा ये भी कमेंट में बता देना कि गाड़ी में बंदा बैठा था। तो इन बंदों पर भी हम रश कर देते हैं, लेकिन इनका जो बंदा होता है वो कूद जाता है नीचे की तरफ, तो फिर हम भी कूद जाते भाई उसके ऊपर। तो यहाँ पे वो बंदा क्या कर रहा था, मोली डाल रहा था और अपनी मोली में शायद खुद ही जल गया, तो फर्स्ट एड लगाने लगता है जिसके हमें साउंड आ जाती है। तो इसको मैं खत्म कर देता हूँ। और भाई पीछे से एक बंदा मेरे पर अंदर तुम फायरिंग करने लगता है, लेकिन टीममेट मेरा एकदम से कवर फायर देता है। तो भाई ये होना चाहिए भाई, तुम्हारे टीममेट ऐसे होने चाहिए, अगर तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा हो ना तो भाई एकदम कवर फायर आनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे चल रही थी तबाही वाली फाइट, तो हम भी आ जाते भैया शामिल होने थर्ड पार्टी में कि भाई हमें बुला लो यार, मतलब इनविटेशन ही नहीं भेजा तो ऐसे आना पड़ता है बिना बुलाए। और यहाँ पे थोड़ा 6x चलाऊंगा एक एम में, वो भी सरप्राइज सर के साथ, तो भाई देखो मजे लो। लास्ट बंदे को भी निपटा देता है शानदार। वैसे मैं AW मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं लगती उसे, मतलब हल्की सी बच गई थी बहुत जरा सी। तो लास्ट बंदे को ढूंढने के लिए गाइस देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो थोड़ा फास्ट मोशन में दिखाता हूँ तुम्हें, नहीं तो भाई बहुत बड़ी बन जाती वीडियो। तो गाइस यही था आज की वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लो जो नए बंदे हो। मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस। और आगे एक छोटा सा मोन्टाज है भाई किलिंग वाला, तो भाई उसके मजे लो।